किशन एक बात बताना मुझे, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? इंग्लिश की मैम, आप आई थी क्लास लेने, आपके नोट्स थे और आपकी जो बुक है उसमें 15 चैप्टर्स हैं और मैंने वहाँ से वो 15 चैप्टर मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। मुझे खुद नहीं याद होगा मैंने कितनी टाइम रिवीजन किया और जो उसके पीछे वो कैप्स हैं वो मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। शुरू करता था, ख़त्म होता था, फिर शुरू करता था मैं। तो उससे मुझे इंग्लिश के लिए बहुत हेल्प मिली और मैं रीडिंग करता था थोड़ी इंग्लिश के लिए। आजकल कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का बहुत रोल हो गया है। तो मैं रीडिंग करता था डेली, न्यूज़पेपर पढ़ता था 45 मिनट्स टू वन आवर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो इससे इतना इंग्लिश के लिए सफिशियंट है। अभी जैसे मैंने बहुत रिसेंटली एक और चीज़ शुरू किया कि स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक चैनल बना लिया है मैंने टेलीग्राम में, और उसमें रोज मैं स्टोरीज डाल रही हूँ बच्चों को ताकि वो स्टोरीज पढ़ पढ़ के उनका रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग बने। एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होना चाहिए कि पढ़ के भाई मुद्दा तो समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है, ये जरूरी है। नहीं, रीडिंग आप कहीं से भी करिए, अगर आप स्टोरीज फॉर्म में डालनी है तो वेल एंड गुड, हमारे टाइम पे आपने नहीं डाला हमें न्यूज़पेपर का अलग खर्चा करना पड़ा। अच्छा, तो वो न्यूज़पेपर या आपको रीडिंग से मतलब, आप कुछ पढ़िए, नॉवल पढ़िए आपने, ये बहुत अच्छा शुरू किया है। और वॉल्यूम वन कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? वॉल्यूम वन का मेजर पार्ट तो वॉल्यूम वन का ही रहा है क्योंकि हर टॉपर जितने भी हैं, मैं ही नहीं जितने भी हैं, सबसे सुना है मैंने। कौशिक भैया का इंटरव्यू देखा था, कौशिक राज 2017 रैंक वन, तो उन्होंने बताया कि ये वॉल्यूम वन बेस्ट है, तो फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही जा रहे हैं। ओके।